जवान फिल्म जो कि अपने ओपनिंग के पहले ही दिन 74 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करके अपने नाम एक अलग ही हिस्ट्री क्रिएट की है। आखिर ऐसा क्या है इस फिल्म में जिसे लोग इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और आखिर क्यों 2024 के इलेक्शन से पहले हम हिंदुस्तानियों को एक बार इस फिल्म को क्यों देखनी चाहिए। दरअसल दोस्तों, जवान फिल्म के मेकर्स इस फिल्म के थ्रू हमारे देश के कुछ ऐसे डार्क रियलिटी को दिखाने की कोशिश की है जिसे आज तक कोई फिल्म मेकर्स ने इस तरह की हमारे देश की रियलिटी नहीं दिखाई। जैसे कि हमारे देश के अन्य दाता किसानों का लोन लेने के लिए बैंक किसानों को इस कदर मजबूर कर देती है कि कभी कभी इसके चलते कुछ किसान फांसी पर लटक जाते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ बड़े बड़े बिजनेसमैन का हजारों करोड़ का लोन सरकार चुटकियों में माफ कर देते हैं। कैसे हमारे देश के पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने के लिए बड़े बड़े कंपनियों को सरकार बेधड़क इजाजत दे देती है। कैसे बड़े बड़े नेता हमारे सामने ये जिंदा झूठ बोलते हैं कि हमने हमारे देश के हॉस्पिटल को इस कदर बनाया है कि कई बड़े देश की हॉस्पिटल में भी इस तरह की फैसिलिटीज नहीं दी जाती, लेकिन रियलिटी में वो नेता खुद वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता जिसकी वो चर्चा हम लोगों के सामने करता है। और भी बहुत सारे हमारे देश में होने वाली करप्शन को इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की है, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। और इस पूरे फिल्म की सबसे इम्पोर्टेंट सीन क्या है पता है आपको, जो इस पूरे फिल्म में चार चांद लगा देती है? जब शाहरुख खान हमें इस उंगली की ताकत बताते हैं, जब आप बाइक खरीदने जाते हैं तो आप शोरूम वाले से बार बार पूछते हैं कि ये बाइक कितने माइलेज देती है, बाइक बार बार खराब तो नहीं होगी। जब आप एक मामूली सा 3 रुपए का पेन खरीदते हैं तो उसे 10 बार घिस घिस के देखते हैं। मेडिकल स्टोर से दवाई लेते टाइम मेडिकल स्टोर वाले से 10 सवाल करते हैं, इससे हम ठीक तो हो जाएंगे, कोई नुकसान तो नहीं होगी। लेकिन वही जब हम 5 साल के लिए अपने सरकार को चुनते हैं तो सरकार से सवाल क्यों नहीं करते? ये जो उंगली आप हर जगह करते हैं वो सरकार चुनते टाइम क्यों नहीं करते? अब उससे सवाल पूछो कुछ उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे, मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे अगले 5।